याद है मैंने कोठी में माशाल्लाह जिस कोठी भी शादी है भैनों भरा माशाल्लाह ऐसा किसी ने टिक्का बूटी जड़ी है भैनों पर तैयार होनी पी है ऐसा क्या ने अदिया जड़ी है भैनों पर तैयार हो गई हैं फाइनली भैनों पर उस जगह बिच ने गजरेला माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे शंडे तक सके तक माशाल्लाह माशाल्लाह इसने क्या है जी गोश्त इन्हें भैनों पर बिरयानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लखां तक करोड़ों दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नियाल पर हुज़ूर नाज़रीन सो तकने पे अपना यूट्यूब चैनल धनी भाई व्लॉग तो मैं दनियाल खालत उम्मीद करना कि सारे पिंड पर ठीक हो सो खुश हो सो नाल वाल हो सो तो जी अपनी जिंदगी बढ़िया संजे तरीके गुजारने हो सो सब तो पहले सो सारे पिंड पर बेहद शुक्रिया जड़ा कीमती टाइम कट रहे हो तो माड़ी वीडियो तकने अल्लाह पाक सो सारे की खुश रखन आबाद रखन तो अपने जो ईमान ही रखन तो जितने भी भैन भरा चैनल पर नए हो चैनल की लाइक करो सब्सक्राइब करो तो नाल शेयर भी कर छोड़ो तो जैसा कि तकने सो आज ना मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूरज मावा ऐसा चमकी रहे तो ओवरऑल जो व्यू है भैनों पर ऐ तक ही सकने अज भैनों पर बारिश हाला ने कोई आसार नज़र रखने पे क्योंकि आर पसा चढ़ ही चढ़ होया भैनों पर बारिश हो सी भैनों पर मौसम थोड़ा जहा फिर ठंडा हो जा क्योंकि धुप धूप ज्यादा होने नहीं वजह ना जरा भैनों पर गर्मियाँ जड़ी ना वो स्टार्ट हो गई भैनों पर सब तो पहले सारे भैन भरा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक फलस्तीन की आजादी नेमत नवाजन तो जितनी भी फलस्तीन ने साढ़े भैन भरा है जितनी भी उन्होंने मुश्किल आई अल्लाह पाक उन्होंने आसानियाँ पैदा कर आसानियाँ पैदा कर भैनों पर क्योंकि बहुत ज्यादा जुल्म हो ही रहा है फलस्तीन के अंदर तो जी अगर इधर ओवरऑल तक मौसम व्यू ऐ तक ही सकनी भैनों पर तो भैनों पर सब तो पहले जुलना आ अज इतना ही महल बिच जरा पार्सों की नज़र रखना पे पार्सों में महला इस महल जुलना एक पार्टी की है वो भैनों पर अटेंड करनी है तो फिर उसने बाद आई थिंक शादी है या शादी की पार्टी है उनकी नहीं सकता लेना पता वलीमा आ वो जुलना अटेंड करना है फिर उसने दसना है अगले सीन अज ने बलागे क्या कोई इंट्रस्टिंग होना है भैनों पर बेने आता स्टार्ट करने फिर तैयार शैर हो गए क्योंकि उसे पता है वन एंड ओनली कलर मुझे पसंद है वो भी कड़ा काला काला कलर मैं जोड़ा लाई गई काला अक्सर कोट तो उसे पता है मैं लाना ही ज्यादातर काला ही हाँ तो वो लाया तो हूँ भैनों पर जुले तो मजीद सुन अगर दसने फाइनली भैनों तो भरा करू लिखते हैं उत आई गए जिते अज आ दावत वलीमा आई थिंक जो थलू सक दसा ऐ तो कि सकने वैसे छोटिया छोटिया बनिया भी रोज रोज बने पे तो ओवरऑल भैनों पर जो व्यू आ इस महल चु मैं आया स्पेशल कोठी पर मैं पहले कोठी पर चढ़ी सी पहले महल ना व्यू दस माशाल्लाह इस क्या है जरा घोड़ा तो शरीफ ये व्यू आ भैनों पर इतना ही प्यारा तो मजे ना व्यू आज इतू मैं भैनों पर मजा आई जाना ऐ तो क्या ये आ घोड़े ना व्यू जी अगर इधर पर थोड़ी नज़र पैनी है तो यह है जी जगह दिसनी भी है इतू खाली मैं इंट्रो मारना है तो यह बिल्कुल ही रार पार कोठी है समझ गो तो जे इधर पार सोने जरा ये नज़र रखना पे एरिया ये आ नवैलन मोड़ आखी सकने त्रुट्टा त्रुट्टे जामिया मस्जिद है तो यह जितने भी कार ये सारे नाल त्रुट्टे ने लगने तो जे अगर इधर थोड़ी नज़र पैनी है तो यह पार सामने यह आ डडियाल ये डडियाल बाजार है भैनों पर यकीन करो डडियाल बाजार इतू पता लगना कि बिल्कुल ही है नाल जुले हैं तो नाल ना लगे थोड़ा दसने ये है पार्सल ने जो एरिया भैनों पर नजर रखना पा ये है डडियाल बाजार माशाल्लाह क्योंकि कुछ दरख्त अगे आई जाने इस वजह नहीं जे कि जैसा कि तो कोई इतना है पार्सल ने ये बनता हुआ बंगला माशाल्लाह कितना प्यारा ये जरा इलाका सुन नजर रखना पे इसकी है जना वेली बगाल जरा माड़ा सबका ग्रां है भैनों पर क्योंकि डेम मौसम थोड़ा जा अच्छा क्या झड़ा लाए इस वजह भैनों पर सही व्यू नज़र नहीं रखना पाया तो यह पार्सल में जो एरिया नजर रखना पे सियाह जुले भैनों पर नीचे तो नीचे सौ सारे भैन भरा की व्यू शेयर करने ऐ तक ऐ और सुकून एक व्यू आ भैनों पर क्योंकि देहाती मोल भावें कोठियां बनी हैं सारा कुछ हो गया लेकिन भैनों पर जरा
पुराना माहौल सा वो आले जी यहाँ बाल इस वजह ना भेड़ा भरा और सुकून पुरसकून जैसा कि इधर सुन भेड़ा भरा की नज़र पे नहीं जाता क्या नहीं माशाला कितना प्यारा बाग लावा ना लिया पार सामने सर अभी कणक नहीं सुटते हाल भेड़ भरा ठीक ही है फिलहाल बारिश हो ही जाए तो माशाला बहुत ही प्यारियाँ हो जसन तो जे अगर इधर नज़र पैनी है तो माशाला तक कि प्यारियाँ कोठियाँ ही अल्लाह नसीब करा जिन्हें आई जितना जितना व्यू नज़र आया भेड़ भरा इस कोठी ने अपरू आया तो असा जाना है थल्ले तो पार्टी है थल्ले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल है ठीक ठाक हूं एक है अवलीमा या पार्टी है क्या साहब पार्टी रखी ने अच्छा हां अच्छा भेड़ भरा निकाह हो गया सब पहले इसने तुम्हारी भेड़ ना है जी हां इन्हें भेड़ ने निकाह पहले हो गया सा लेकिन शादी जरे ना इंग्लैंड कर सन तो इतना थोड़ी जी जे महल्ले ने सारे भेड़ भरा उन्होंने वास्ते बकायदा जरा ना एक दावत वलीमा समझी जरा मनाया उन्हें अज पकाया उन्हें तो हूँ जुले भेड़ भरा भी तुम्हें नाल शेयर करने क्योंकि कितनी देरी भी शुरू हो सी है कम बस और घंटा ले भेड़ भरा 12 बजे सद्या साढ़े 12 पौना ही कोई गया एक कोई गया बल्कि तो हूँ जुले नीचे तकने देखा शेखा कुछ पहुंचिया तो फिर तुम्हें मजीद सीन दसने भेड़ भरा नीचे जाइए सियाँ तो मैं तकिया बस बस बेचारा रंग बिरंगा हो गया रंग शंग कराओ ना बस है बस कोठी ने भरकिया नहीं है माशाल्लाह जी अगर तक इधर शीट वगैरह बहुत ही प्यारी लगी फाइनली भेनो तो नीचे आई गया जैसा कि तकी सकने माशाल्लाह कितने ही प्यारे रोस्ट टिक्का बूटी जी भेनों पर तैयार होनी पी है है तो क्या नहीं अद्धिया जड़िया भेनों पर तैयार हो गई भेनों पर यकीन करो इतनी सोहनी खुशबू छीरी ना कि तुसा भी सारे ना भेन भरा दिल करना उसी है टिक्का बूटी खाने ना तो आई जो जिन्हें जिन्हें भेन भरा खानी है अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी क्या नाम है सुना ये थोड़ा उच्चा बोल सो मोहम्मद फियाद कितना अरसा आई गया ने बोटियां बनाने पांच साल हो गए भेन भरा इन्हें कि कम कर रहे हैं तो कुछ इसने घर गुजरात ये कुछ टेंट सर्विस ना लाए हो या टेंट सर्विस कड़े टेंट सर्विस ना भेन भरा यकीन मनो मिशा का माड़े ना लेने इन्हें भी माड़े यार भुली गया जिस तरह मैं भाई उधर भाई उन्होंने ना दसा सा तो मैं भुली गया ना कुछ और बंद ने चाहिए ना इस तरह शकील टैन सर्विस वाह जी वाह चाचे माने शहीदियां जरा टैन सर्विस भेनों पर खाना जितना भी साड़ा अच्छा होना किसा किस्म ना तो सारे उन्होंने टैन सर्विस ने माशाला मजे ना होना है ऐ तक कहना उन्हें तैयार होना जल्द अंदर भी खाना छाना तो वही संगी भेनों पर सारे की दसने माशाला हम खासा तो फिर उस्ताद जी चेक कर सा तो फिर जेका तुम्हें दस बसा कि जैसा सुने थाना ठीक है ना तो जे अगर सही जेका ना हो तो जुर्माना पेसी ठीक है फिर मैं अपने ब्याह पर तुम्हें ना सदना ठीक है तो जे अगर इन्होंने खाना जैका सही हो तो फिर मैं इन्होंने एडवांस अपने ब्याह ना आखी होना ठीक है है चलो फिर मेरा जुले तुम मजीद दसने क्योंकि गमदान पी गया इतना तो जी इधर तको भेनों तो बड़ा थूम माशाला कितना प्यारा लगा वा यह भी तकी ना लाया तो मैं चलो ये कि मैं दसा माशाला फुल देसी माहौल भेनों पर इतू भी थूम खवो तो बनाओ आंटी भेनों तो थूम लगा वा तो इधर ये प्याज लगा वा ये भी मैं तुम्हें दसी उन्हें शादी ने बुलाया ये भी सारा ऐड करी उन्हें कौन मसला भेनों पर यह भी कोठी ने बहर इन्ना ही लाया वा तो जुले मजीद अगर तुम्हें दसने हमेशा का दवाश वा हो गई है तो ओवरऑल जो इन्होंने कोठी तकनी तो भेनों पर है तक इन्होंने कोठी में माशाला जिस कोठी भी शादी है भेनों पर माशाला ए तो किस कितनी ही प्यारी कोठी है हूँ जुले हाँ तो भेनों पर क्योंकि अगला खाना और दसने क्या क्या फाइनली भेनों पर उस जगह ने गिजरेला माशाला माशाला अंडी शंडी दस तक कितने सोने पे भी तो हम खासा टेस्ट आता इस जगह क्या माशाला माशाला इसने क्या है जी गोश्त छोटा या बड़ा पता इन्हें भी गुण माने यार क्या गोश्त जी ए तो किसी माशाला इन्हें भेनों तो भरा बरयानी
इसने भी चोड़ियां में नजर नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी वालेकुम सलाम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? सेशे ठीक है? क्या नाम है माने चाची ना? जी माला ना गुलाम फरीद है। गुलाम फरीद साहब है ते कड़े टेंस रुस में चाची देने जी मैं रशीद को काम करना त्रुटे है। अच्छा अच्छा कंडोर है। अच्छा 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 कंडोर है सुने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया ने काम करने? जी मैं होई के 25 साल। 25 साल पेनो दबर होई के इस काम में ते से मतलब कर घर हो गयो सही। ਮਾਣੇ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਡ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਉਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਪਕਾਣੀਆਂ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕਾਸਾ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਪਕਾਈ ਇਸ ਦਾ ਭੈਣੋ ਬਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਥ ਸਮਾਣੀਆਂ ਦੇਗਾ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਸੰਗੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਛੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮਨਾ ਸੰਦੇ ਇਧਰ ਤੱਕੋ ਤੇ ਆਦਾ ਅਰੇ ਤਸ ਲੈਟ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਭੈਣੋ ਬਰੋ ਤੇ ਜੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਲਿਆ ਬਰੋ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਦਿਆਲੇ आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत की दौलत नसीब फरमा असद बोझ नाले की बदूर फरमा या अल्लाह पा हम सब को एक और एक बना सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह पाक हम सब को नमाज पांच गुना बाद नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा हमारे घरों में अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमा हाजरीन मजलिस की तमाम दिली नेक हाजात को शर्फ कबूलियत अता फरमा या अल्लाह पाक हाजरीन मजलिस से तल्लुक रखने वाली गौ बस्ती से तल्लुक रखने वाली हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान मां को दुनिया पानी को छोड़ के जा चुके हैं सब की बख्शिश फरमा सब को जन्नत फिरदौस में आला अर्श मकाम नसीब फरमा या अल्लाह पाक आलम इस्लाम पर अपना खुशी फजल करम फरमा तमाम अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा मुजाहिदीन इस्लाम की फतह और नुसरत फरमा जहां कहीं मुसलमान बीमार है तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा तमाम तंगदस्त वालों की तंगदस्ती को दूर फरमा तमाम इधर इधर भी खाना शाना खाई रहे सारे हूँ भैन भरा खाना शाना खाने फाइनली भैन तो भ्रो शादी शादी खाने तो बाद भैन भ्रो आई गए वापस अपने ठीक है पर क्योंकि शादी जी भैनों तो भ्रो एक शादी नहीं जरे ना वलीमा समझी कि पार्टी सी को सी है भैनों भ्रो तो जैसा कि इधर तक मौसम है जो भैनों तो भ्रो अच्छ बहुत ज़्यादा बारिश ने आया भैनों भ्रो इस वजह भैनों भ्रो हो वीडियो ने एंड पराना महाराज तमराज अब्बाद है नाल उन्होंने चाचा कोई एमरजेंसी जरा कॉल आई गया फिर वापस सचना पी गया क्योंकि कोई दोस्त जो आए किसी तो उन्होंने कोई चीज़ा देनिया सी कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी क्योंकि ना वापस इंग्लैंड जाना सा तो इस वजह ने भैनों भ्रो अद्धे लोग खाना खाने वैसे तो मैं वापस आई गया मैं जुले हाँ खाना खाधा जल्दी जल्दी तो मैं क्या हूँ जुले हाँ जरा ना वो चीज़ा उन्होंने देने क्योंकि एमरजेंसी से ज़्यादा तो इस वजह ना महाराज भी ना दसी सके वीडियो भी दसिया लेकिन मुलाकात ना कराई सके मुबारकबाद जरा ना उसने अब की देनी सी वो भी ना दे सके इंशाअल्लाह कोशिश कर सा जरा ना हूँ अगर कुछ ब्लॉग बनाया जाए तो जरा ना फिर वो उसने उन्होंने अब की मुबारकबाद भी देने खास तौर पर इस वीडियो ने थ्रू देने महाराजा की महाराजा ने अब की मुबारकबाद उन्होंने पूरी फैमिली की तो दुआ करने कि अल्लाह पाक जी जोड़ी बनती है अल्लाह पाक सलामत रखे तो हज़ारों खुशियाँ दें हज़ारों खुशियाँ दें तो अगर वीडियो ने अंदर भैनों तो प्रो किसी किस्म की कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो माफ़ी दे सो मिलसा एक नवी वीडियो अल्लाह सोने नुमा।